हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए। सामने समंदर आ गया है, कौम देखती है पीछे के गर्दो गुबार का तूफान। मालूम हुआ कि फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया और लम्हा बलम्हा वो करीब आ रहा है। पूरी कौम ने क्या कहा, ऐ मूसा हम पकड़े गए। कुरान मजीद ने तो यहाँ वो बातें नहीं लिखी है, लेकिन तौरात में ये दर्ज है कि बनी इसराइल झगड़ने लगे, दस्तों करीमान हो गए मूसा के साथ, लड़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये तौरात की तफसील है, कुरान में सिर्फ इतना आया है। परेशान होकर उन्होंने कहा मूसा हम तो पकड़े गए। उस वक्त मूसा का जवाब क्या है, नहीं मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा। बताइए कहां रास्ता नजर आ रहा है? ये है ईमान बिल गैब। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है, जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है। तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह को। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ इसका खौफ, कोई शय अल्लाह से बालातर है, कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है, कोई उसके इरादे को बदलने वाला है, कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई, ये ईमान का हासिल है रूपे रूबाब। देखो अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो, अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर वो शायद अल्लाह ने तय कर दिया।